कैसे हैं आप लोग। चले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर एज वेल एज फॉर द बीएड सेकेंड ईयर, दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्शन रिसर्च की अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसके स्टेप, इसके सोपान क्या होते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्लासेस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं सबसे पहले अनुसंधान का शिक्षा जगत में उपयोग किसने किया था और शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक किसे माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च के फादर किसे कहा जाता है? तो शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। शिक्षा में इन्होंने इसे प्रतिपादन किया था, इसका उपयोग किया था, तो इसे इसलिए इन्हें शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक माना जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन सन 1953 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने किया था, इसलिए स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान के जनक माना जाता है। कोशिश करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रियात्मक अनुसंधान। तो देखिए सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ व्यक्तियों द्वारा विद्यालय से संबंधित अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना। अब आसान शब्दों में इसको समझिए कि होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान दो शब्दों से मिला है, क्रियात्मक और दूसरा अनुसंधान। क्रियात्मक मतलब आपकी क्रिया, आपकी कार्य, आप जो कार्य कर रहे हैं विद्यालय में, अगर आप एक शिक्षक हैं तो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो विद्यालय के मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, मतलब विद्यालय से संबंधित जो भी क्रियाएँ हैं उसके लिए आपको शोध करना। और शोध क्यों करना? शोध इसलिए करना क्योंकि उसके अंदर जो समस्याएं हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करके और उस समस्या को दूर करके विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना। सिंपल सी बात है कि जो भी समस्याएं हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करके, उस समस्याओं का शोध करके हल निकालना और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना, यही कार्य क्या कहलाता है भैया? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है भैया? व्यक्तियों द्वारा विद्यालयों से संबंधित अपनी कार्य तथा विद्यालयों की समस्या। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका पर्सनल क्या कार्य है, अगर आप विद्यालय से किसी और माध्यम से जुड़े हैं तो आपका पर्सनल क्या कार्य है उस विद्यालय को लेके, और विद्यालय की कौन सी समस्याएं हैं उस समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। ठीक है, और अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना। एक टीचर, एक उनसे जुड़े हुए प्रिंसिपल, उन वहां से कार्य करने वाले बच्चे अपनी समस्याओं को हल करें, अपनी और विद्यालय की दोनों की गतिविधियों में क्या करना भैया? सुधार करना। और इसी शोध को क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान। थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता कौन? जो इसमें व्यवहाररत है, जो इसमें व्यवहारिक कार्य कर रहे हैं, जैसे शिक्षक, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और भी अदर स्टाफ। ठीक है, व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। मतलब आपकी जो समस्याएं हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करिए, अपने निर्णय, अपने कार्य और अपने निर्देशन को सुधार करिए, उसका मूल्यांकन करिए और जो क्रियाओं में समस्या है उसको सुधार करके उसे और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है भैया? वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयोग है। ठीक है, एक सफल प्रयोग है सुधार लाने का। परिभाषा देखते हैं ताकि बातें बिल्कुल समझ में आ जाए। तो सबसे पहला परिभाषा देखिए, स्टीफन एम कोरे। एम कोरे कौन है? ये वही महोदय है जिन्हें शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। तो इन्होंने बड़ा ही बेहतरीन और सरल शब्दों में साफ कहा है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है। ठीक है, ताकि वो अपने कार्यों में सुधार कर सके। बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में और बेहतरीन शब्दों में कह दिया कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है, ताकि कार्यकर्ता अपने कार्यों में सुधार कर सके। बहुत ही आसान शब्दों में। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। जॉन फ्रांसिस ने थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्तियों द्वारा या समूहों द्वारा, इसका क्या मतलब? इंडिविजुअल एक शिक्षक या ग्रुप ऑफ द शिक्षक या प्रशासन की बात हो जाए यहाँ पे, तो व्यक्तियों द्वारा या समूहों द्वारा अपने कार्यों में आई हुई समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक किए जाने वाला अध्ययन है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? व्यक्तियों द्वारा या समूहों द्वारा अपने कार्यों में आई हुई समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक किए जाने वाला अध्ययन है।
इससे होगा क्या, इसका उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र की उपलब्धियों में वृद्धि लाना है। बड़ा ही आसान शब्दों में एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, छोटे से वीडियो को। देखिए गुड ने थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन कर दिया, शब्दों का हेर फेर है, चीजें वही हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणवत्ता उन गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान, बातें वही है, बस शब्दों का फेर है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या भाई, शिक्षक निरीक्षक और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए किए जाने वाला क्या भैया, अनुसंधान है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके पहले चलते हैं उद्देश्य पे, उद्देश्य के साथ इसकी वीडियो को खत्म कर लेंगे। लेकिन इसी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या था, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करना, सिंपल सी बात है। तो अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना, छात्रों तथा शिक्षक में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। ठीक है, कि कैसे प्रजातंत्र की एक वास्तविक गुण होती है उसका विकास करना। विद्यालय के कार्यकर्ताओं शिक्षक प्रधाचार प्रबंधन तथा निरीक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। साइंटिफिक आप थॉट करें कि समस्या है तो उसको साइंटिफिक आप उसको हल करें। विद्यालय में के कार्यकर्ताओं के कार्य कौशल का विकास करना। शिक्षक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना। जब समस्या आ पाएगी उस पर शोध करेंगे तो आपको सुझाव निकल के आएगा कि कैसे समस्या का हल कर सकते हैं, कैसे कार्यप्रणाली को और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, विद्यालय की प्रसंगत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। जैसे भी जो सो कॉल्ड थॉट होते हैं ना, जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करना और विद्यालय के कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना और छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा करना, छात्रों को और मोटिवेट करना और बेहतर बनाना। ठीक है, इस वीडियो को खत्म करेंगे लास्ट पॉइंट के साथ, क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप सोपान, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो स्टेप हैं, जो सोपान है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही छोटी टॉपिक, मैंने कोशिश करी कि आपको एक्सप्लेन कर सके। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, बहुत ही प्यारा रिक्वेस्ट आप सबसे, ये है कि अगर चीज़ें समझ में आई हो थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करिए, गूगल का सहारा लीजिए, अगर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, गाइड है, उसका सहारा लीजिए और एक बेहतरीन खूबसूरत सा नोट्स बना के आप हमें टेलीग्राम पे भेज दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका जो भी इस क्लास हो उसे ज्वाइन करके आप प्लीज़ अपने प्यारे नोट्स को हमारे साथ जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।